रुको, सबर करो जरा, डबल टैप करके वीडियो आगे मत भगाओ। ध्यान रहे, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाए। धन्यवाद। ए सुन ना, थोड़ा सा फैन का स्पीड कम करना रे, ठंडी लग रहा है थोड़ा सा। ओ हाय, क्या आप लोगों को लग रहा है कि ठंडी का मौसम थोड़ा सा स्टार्ट हो चुका है? वेलकम बैक टू माई चैनल पीपल। और जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में पूछा कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि ठंडी का मौसम स्टार्ट हुआ है या नहीं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद ठंडी का मौसम स्टार्ट हुआ है। और वो इस वजह से नहीं कि मौसम चेंज हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि मैं अपने आसपास लोगों को देख रहा हूं, मेरे दोस्तों को देख रहा हूं और ऑफिस में लोगों को देख रहा हूं और उनके बिहेवियर को नोटिस कर रहा हूं, तो ऐसे समझ रहा है कि शायद अब ठंडी का मौसम स्टार्ट हुआ है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ 4 लोगों से मिलाऊंगा जिनका बिहेवियर की वजह से हमें ऐसा एहसास होने लगता है कि हां एक्चुअली अब शायद ठंडी चालू है। एंड मे बी आप लोगों ने भी ऐसे लोगों को देखा होगा अपने ऑफिस में या अपने फ्रेंड सर्कल में, इन जनरल लोगों को देखा होगा ऐसे बिहेव करते हुए। तो लेट्स सी हु दिस पीपल आर, कम ऑन। नंबर 1, द शो ऑफ टाइप्स, द देशाना टाइप्स। ये वो तरह के लोग होते हैं जो सिर्फ दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि इन पर ठंड का कोई असर नहीं होता और ये अंदर से बहुत गर्म होते हैं, जबकि रियलिटी में इनके अंदर से गांठ थरथर रही होती है ठंड से। और ये सिर्फ लोगों को दिखाना चाहते हैं दैट दे आर सुपीरियर टू देम, क्योंकि इन पर क्लाइमेटिक कंडीशन का कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज दे आर व्हाट, शो ऑफ। सो लेट्स मीट देम और देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। कैसा इंसान है बेतू, इधर साले पंखा बंद करके बैठे, इतना गर्मी और थोड़ा ठंडी लग रहा था। क्या ठंडी मुंबई के अंदर? ठंडी आप लोग ही मेरे को बताओ, मुंबई के अंदर ठंडी गिरता है क्या? साला मुंबई के इधर 8 महीना गर्मी और सिर्फ 4 महीना बारिश गिरता है, और बाकी जितना भी मौसम मेरे को मिलता है ना, वो सिर्फ ये इंस्टाग्राम के फोटो के अंदर ही मिलता है। ऐसा हैशटैग कोल्ड, हैशटैग स्नो, हैशटैग विंटर्स, ये सब सिर्फ है ना इंस्टाग्राम के अंदर फोटो में दिखता। अपने इधर मुंबई के अंदर ऐसा कोई भी क्लाइमेट, ऐसा कोई मौसम नहीं आता, समझा क्या? अरे इधर थोड़े टाइम में मैं एसी भी ऑन करने वाला, इतनी गर्मी हो रही है मेरे को। तेरे को अगर इतना ठंडी लग रहा है जहां तक जाके तो चल। थोड़ा ठंड लग रहा था इसके लिए। A few moments later. Now I think the temperature is a little cool, right? है ना? हाँ, अभी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा switch off कर देना चाहिए, like 4-5 minutes, है ना? Because I can see her, like you know, I can see her like shivering in the corner. So for her sake, है ना, थोड़ा सा let's switch it off. Are you feeling cold by any chance? I don't feel cold and all, please. Explain. I don't even believe in winter season. Yeah. Mumbai में winter season. Look at her. Like she's getting goosebumps, was it? नहीं, मैं बंद कर देता हूँ, like for 5 minutes. Or let's make it for 50 minutes, है ना? Switch. 50 minutes के लिए बंद कर देते थोड़ा सा. साले को ठंड लग रही है तो बराबर बंद कर रहा है. तू क्यों हाथ घस रहा है बे? ठंड लग रही है क्या? No, अरे वो थोड़ा सा इधर इच्छिंग हो रहा है. हाँ वो तो दिख ही रहा है. चलो मेरा, I don't feel cold at all. You guys really like think कि मुझे ठंडी लगता है. ये थे हमारे शर्फ टाइप्स। नाउ इट्स टाइम टू मीट द एग्जैक्ट ऑपोजिट, और वो है द वन हु फील्स एक्स्ट्रा कोल्ड। यस, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत एक्स्ट्रा ठंडी लगती है, जबकि हम मुंबई में रहते हैं और हम सबको पता है कि मुंबई में इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब ऐसे ठंड लगती है जैसे कि वो मतलब नॉर्थ में एकदम टिप पे कहीं पर रह रहे नॉर्थ के। सो लेट्स मीट देम एंड लेट्स सी हाउ दे बिहेव इन दिस सीजन। ऑलराइट, शिट यार, सुबह हो गई क्या यार? ये ठंड के मौसम में सुबह क्यों होती है यार? अभी साला उठो, नहाओ धो, और ये पानी में हाथ पैर डालने का मतलब, चलो कोई बात नहीं यार, उठना तो पड़ेगा ही। 20 minutes later. Oh no. अभी तो साला धोना पड़ेगा। अरे यार, एक तो साला अपने बिल्डिंग में साला सोलर वाला सिस्टम भी नहीं है, ना ही ये जेट स्प्रे में गीजर का कनेक्शन है। धोना तो पड़ेगा, नहीं तो साला सूख के पपड़ी हो जाएगी। हट,
छोड़, रेडी हो जा, कोई बात नहीं। थ्री कोई बात नहीं, आज तो नहा ही ले। वैसे दो दिन तो छुट्टी दे ही दिया खुद को तूने, पानी भी एकदम मस्त बढ़िया गर्म है, नहा ले, ज़्यादा सोच मत, फिर दो दिन और छुट्टी कर लेंगे। एकदम गर्म पानी है, ख़त्म कर दे आज का खेल। आह ये था स्नान, एकदम गर्मा गर्म पानी में, अब लग रहा एकदम स्किन फ्रेश हो गया। बाप रे फाइनली। अरे फैन किसने ऑफ किया, ऑन करो भाई। यार साला फिर इन लोगों ने फुल ब्लास्ट पे एसी ऑन रखा हुआ है यार। ओए प्लीज थोड़ा सा एसी कम करना यार, ला या तो यार रिमोट इधर लेकर आ। अरे यार कितना तेज तुम लोगों ने रखा हुआ यार एसी यार, 24 पे। अबे 24, ये टेम्परेचर है 24 पे, तुमने 27 पे कर यार, इतनी ठंडी लग रही है, प्लीज बढ़ा दे। ओ काका काका प्लीज यार एकदम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर, इतना गर्म लेकर गला जल जाना चाहिए, इतना गर्म चाय लेकर प्लीज। काम कर नहीं, गर्म समोसे मंगा ना प्लीज, गर्म गर्म समोसे और गर्म चाय। काका थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आते हुए प्लीज। दोस्त सुना, तू वो शॉल लेकर आए क्या? लाया लाया तो देना है मेरे को प्लीज। अरे स्वेटर में लेके आना था यार, बैग में इतना सामान था तो स्वेटर में, सोचा तुम लोग एसी वगैरह रखोगे थोड़ा कम, लेकिन तुम लोग तो यार एकदम फुल ऐसा तेज चला रहे हो एसी यार। कम कर देना है वहाँ का फैन भाई, प्लीज थोड़ा सा कम कर देना वो फैन थोड़ा, प्लीज यार वो थोड़ा फ्लैप नीचे कर दो ना, थोड़ा सा फैन इधर से थोड़ा स्पीड कम करो प्लीज। दोस्त दे देना यार भाई, दे देना स्वेटर, दे देना प्लीज, कम करना यार। एक्सक्यूज मी, ओ मैडम सुनो ना प्लीज, थोड़ा वहां से कम कर दो ना फैन का स्पीड। थैंक यू थैंक यू। तो ये थे हमारे द वन हु फील्स एक्स्ट्रा कोल्ड। नाउ इट्स टाइम टू मीट द थर्ड टाइप, एंड द थर्ड टाइप इज सब्सटेंस अब्यूजर। डू नॉट गेट मी रॉन्ग, सब्सटेंस अब्यूजर का मतलब है जो ठंड में मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मॉइस्चराइजर्स, बॉडी लोशन, क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या, ये सब का वो इतना यूज कर लेते हैं ये ठंड के मौसम में, ये बोलकर कि उनका स्किन ड्राई हो गया है, स्किन रेड हो रहा है, स्किन डार्क हो रहा है, फट रहा है एंड व्हाट नॉट, और ये सारा प्रोडक्ट्स वो इतना अब्यूज करते हैं एंड साथ ही साथ लोगों को ही परेशान करते हैं, बोलते हैं कि प्लीज तू ये यूज कर, तू वो यूज कर, अपने चेहरे पे अपने लिप्स पर ये लगाए कर, नहीं तो स्किन ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बहुत परेशान करते हैं। सो लेट्स मीट दैट गर्ल, आई एम टेलिंग यू Winter is here. Hi. Hi. Hi, yes. क्या है ये सब? ये अरे ये सब रे, ये मेरा अभी ठंडी चालू हो गया ना, ये मेरा बॉडी लोशन, ये मेरे फेस की सॉरी फेस के लिए नहीं, ये मेरे हाथ के लिए, और ये मेरे फेस का मॉइस्चराइजर, ये मेरे फुट के लिए, एंड ये मेरा ये जो कोनी वगैरह हो जाता है ना ड्राई थोड़ा सा, हाँ उसके लिए, एंड ये मेरा एंकल के लिए, ये एंकल का जो होता है ना, नहीं 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 ऑफकोर्स नो बाबा, यहाँ का तुम यहाँ नहीं यूज कर रहे, नहीं नहीं नहीं, तो ये उसका क्रीम है, देख दिख नहीं रहा मेरा स्किन बाबा, ये दिख नहीं रहा क्या रेड हो रहा है? हाँ ये देख, ये देख तू देख, नहीं दिख रहा तेरे को रेड हो रहा स्किन? इतना सारा प्रोडक्ट क्या करना है बाबा, लगता है तुम लोग, तू एक काम कर, तू है ना ये फोटो पे लगाया कर, ये मैं यूज करता हूँ लिप्स के लिए, तेरा लिप्स कितना नहीं लग रहा तेरे को, इसका लिप्स कितना गंदा से था, काला सा हो गया। हाँ प्लीज तू यूज कर, तेरा लिप्स कितना गंदा हो गया। Three days later. और कुछ नहीं, तुम लोग को बता ना, मेरा हर साल का नाटक है, मेरा स्किन एकदम ड्राई हो जाता है ठंडी में, मेरा स्किन कैसे पील हो रहा है धीरे धीरे। हाँ फिर भी बहुत अच्छी बात है कि मैं ये क्रीम यूज कर रहा हूँ, ये क्रीम की वजह से ना एटलीस्ट मतलब लास्ट वीक तक थे ना मेरा से यही साइड का होट हिल रहा था ऐसे ऐसे, अभी अब जाकर ये साइड का होट हिलने लगा है, कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा मैं, कोई इमोशंस नहीं एक्सप्रेस हो पा रहे मुझसे, इतना टाइट हो चुका है मेरा स्किन। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर तुम लोग को भी चाहिए ना प्लीज ये क्रीम यूज करो, ये बहुत अच्छा है ड्राइनेस के लिए। अभी तक तो एक बॉटल तो हो चुका है मेरा खत्म, एक सेकेंड बॉटल पे हूँ मैं, एक बार हो जाएगा तो सब, दो तीन बॉटल यूज होने के बाद तो मेरा स्किन एकदम नॉर्मल हो जाता है। एक काम करता हूँ मैं, अप्लाई कर लेता हूँ अभी वापस से, इससे पहले कि मेरा बाकी स्किन और ड्राई होना चालू हो जाए। नाउ आई फील थोड़ा सा बेटर बाबा, आई थिंक नाउ माय स्किन विल बी परफेक्टली ऑलराइट। तो ये थे तीन तरह के लोग, और जो चौथा टाइप है वो है आपके और मेरे तरह
सिंपल एडजस्ट करके रहने वाले लोग, ये ज्यादा कंप्लेन नहीं करते हम लोग, और हम लोग ज्यादा टैंट्रम्स नहीं थ्रो करते, हम लोग ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। हमें सुबह में थोड़ी सी ठंड लगती है तो हम लोग चद्दर ओढ़ लेते हैं, दोपहर में हमें गर्मी लगती है, शाम में जब हम दोस्तों के साथ बाहर निकलते हैं तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार मौसम अच्छा हो गया ना, ठंडा हो गया, ठंडी हवा चल रही है। हम लोग ज्यादा शो ऑफ नहीं करते या ज्यादा ओवर एक्टिंग भी नहीं करते कि मतलब स्वेटर पहन लिया, मफलर पहन लिया, ग्लव्स पहन लिया, ना ही हम लोग ज्यादा शो ऑफ करते ये बोलकर कि ओह गॉड मुझे तो बिल्कुल ठंडी लगती, मुझे तो बस पूरे टाइम, ये सब हम लोग नहीं करते। हम लोग बहुत सिंपल एडजस्ट करके रहते, हमें बहुत नॉर्मल ठंडी लगती है और बहुत ठंडी भी नहीं लगती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोग को रिलेटेबल लगा हो, एंड आई होप आप लोग ने भी इस तरह के लोगों को नोटिस किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, या इन जनरल ऐसे लोगों में आप लोगों ने देखा होगा। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वो जो आइकन है थम्स अप वाला, इसको प्रेस कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी विंटर्स टू एवरीबॉडी, एंड नाउ आई विल मीट यू ऑल ऑन सैटरडे 5 PM। और ये जो बीच में आइकन आ रहा है इसको प्रेस करो एंड सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, बाय बाय।